नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माही द टैकी पर। दोस्तों आज जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो न्यूली लॉन्च्ड वॉच जो है बिप एस लाइट, उसका हम कंपैरिजन करेंगे रियलमी क्लासिक स्मार्ट वॉच के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो बिप एस लाइट जो है वो बिप एस का स्मॉलर वर्जन है और बिप लाइट के ऊपर का वर्जन है। तो मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, और आप अगर ऊपर वाला लिंक देखेंगे तो मैंने ये कंपैरिजन किया है कि किस तरीके से ये कंपनियाँ हमको थोड़ा सा उल्लू बनाती हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन से, जिससे आपको पता चले कौन सी वॉच लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और कौन सी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है प्राइस रेंज की, तो जो बिप एस लाइट न्यू लॉन्च हुई है उसका प्राइस है 3,799 रुपये, जबकि रियलमी क्लासिक 3,999 में अवेलेबल है। कलर्स की बात करते हैं तो एस लाइट में आपको ऑक्सफोर्ड ब्लू, सेक्यूरा पिंक एंड चारकोल ब्लैक मिल रहा है, वहीं रियलमी क्लासिक में आपको सिर्फ ब्लैक मिल रहा है। कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो बिप एस लाइट iOS एंड्रॉयड दोनों से कंपैटिबल है, जबकि रियलमी ने यहाँ निराश किया है, वो सिर्फ एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबल है। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो रियलमी में यहाँ 0.1 इंचेस बड़ा स्क्रीन साइज़ देखने को मिलेगा 1.4 का, जबकि बिप एस लाइट में 1.28 इंचेस है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे रियलमी ने बाजी मार ली है, IPS LCD स्क्रीन लगा के दे रहा है, जिसका रिजोल्यूशन है 320x320 पिक्सल्स का, जबकि बिप एस लाइट आपको ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले तो दे रहा है 2.5D स्क्रीन के साथ, लेकिन उसका रिजोल्यूशन सिर्फ 176x176 पिक्सल्स है, तो आपको देखने में रियलमी का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो बिप एस लाइट में वो अवेलेबल है, जबकि रियलमी क्लासिक में नहीं है। स्क्रीन प्रोटेक्शन दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिल रही है। बॉडी टाइप पॉलीकार्बोनेट यहाँ पे ऑफर कर रहा है बिप एस लाइट, और प्लास्टिक सिंपल फ्रेम दे रहा है रियलमी, तो पॉलीकार्बोनेट ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। डायल शेप की बात करें तो दोनों ही वॉचेस रेक्टेंगुलर शेप में आ रही हैं। बटन की बात करें तो बिप एस लाइट में स्टेनलेस स्टील का बटन लगा है राइट साइड पे, जो कि 316L टेक्नोलॉजी से बना है, जो एयर स्पेस टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है। वहीं पे रियलमी क्लासिक में एक प्लास्टिक का फ्लैट बटन लगा है राइट साइड पे। स्ट्रैप की बात करते हैं तो यहाँ भी बिप एस लाइट ने अच्छा काम किया है, एक नए टाइप का स्ट्रैप दे रहा है जो कि सेल्फ क्लीनिंग ट्रीटमेंट के साथ आता है, जो अपने ऊपर धूल मिट्टी गंदगी को आसानी से जमने नहीं देता, जिससे स्ट्रैप की लाइफ ज़्यादा बढ़ती है, जबकि रियलमी क्लासिक आपको सिंपल सिलिकॉन स्ट्रैप दे रहा है। वेट की बात करते हैं तो दोनों ही वॉचेस का ऑलमोस्ट सेम वेट है, 30 ग्राम और 31 ग्राम। नोटिफिकेशंस दोनों वॉचेस में सेम है, इनकमिंग कॉल्स SMS व्हाट्सएप फेसबुक एंड अदर एप्लीकेशंस के। मोबाइल कंट्रोल की बात करते हैं तो बिप एस लाइट में आपको सिर्फ म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल रहा है, जबकि रियलमी में आपको कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल दोनों मिल रहा है। तो दोस्तों कैमरा कंट्रोल की हेल्प से आप अपनी वॉच को एज ए शटर यूज़ कर सकते हैं, और अपना फ़ोन का जब कैमरा ऑन करेंगे तो अपनी वॉच से ही फ़ोटो खींच सकते हैं। आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, लेकिन आपके पास बटन होगा घड़ी में बना रहा होगा, उसको दबाइए और फ़ोटो क्लिक करिए। वहीं पर म्यूज़िक कंट्रोल की बात करते हैं तो आप सॉन्ग्स को आगे पीछे कर सकते हैं जो आपके फ़ोन में प्ले हो रहे होंगे, और आवाज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आवाज़ का ऑप्शन अवेलेबल है तो। उसके अलावा बात करते हैं मेक और आंसर कॉल की, तो वो दोनों वॉचेस में अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्विक रिप्लाइज दोनों ही वॉचेस में नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन दोनों में लेटेस्ट है 5.0 का। मैग्नेटिक चार्जिंग की बात करें तो यस, USB मैग्नेटिक चार्जर आपको मिल रहा है Amazfit में, और एक नॉर्मल मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है रियलमी में। बैटरी की बात करते हैं तो Amazfit का बैटरी भी यहाँ बड़ी है 200mAh की, और वो 30 दिन का बैटरी बैकअप क्लेम कर रहे हैं, जबकि रियलमी 160mAh में 9 दिन का बैटरी बैकअप क्लेम कर रहा है, जो मुझे ज़्यादा जेन्युइन लगता है। GPS की बात करते हैं तो रियलमी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिप एस लाइट ऑफर कर रहा है, फ़ोन के थ्रू GPS कनेक्ट कर सकते हैं, इनबिल्ट उसमें भी नहीं है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस में Amazfit ने मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा काम किया है, 5 ATM का सपोर्ट दिया है, जिससे आप 50 मीटर गहरे पानी में जाके स्विमिंग कर सकते हैं, वॉच को कुछ नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल IP68 सपोर्ट मिल रहा है रियलमी में, जो कि 1.5 मीटर तक गहरे पानी में ही काम करता है। मल्टीपल वॉच फेसेस में भी यहाँ मुझे लग रहा है कि Amazfit ने ज़्यादा बाजी मारी है, 150 के करीब ऑफर कर रहे हैं वॉच फेसेस, जबकि रियलमी ने यस तो लिखा है, मुझे पता नहीं सर कि उसमें कितने सारे वॉच फेसेस अवेलेबल हैं। ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर में रियलमी में अवेलेबल है, जबकि Amazfit में नहीं। ब्लड प्रेशर स्पेसिफाई नहीं किया है रियलमी ने, और कन्फर्म्ड है कि Amazfit में ये नहीं है। फिटनेस मोड की बात करें तो रियलमी में 14 फिटनेस मोड्स आ रहे हैं, जबकि Amazfit में 8 फिटनेस मोड अवेलेबल हैं, और Amazfit यहाँ यह भी क्लेम करता है कि इन फिटनेस मोड के लिए जो उसने ऑप्टिकल सेंसर लगाया है पीछे, वो 80% तक कम बैटरी कंज्यूम करता है और एक्यूरेसी बढ़ा देता है। आई थिंक यही वजह है कि Amazfit अपनी हर वॉच में ज़्यादा दिन का बैटरी बैकअप क्लेम करता है, कम mAh होने के बावजूद भी।
तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि Realme आपको क्या दे रही है वॉच। Realme में आपको एक तो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी बेटर रिजोल्यूशन के साथ, क्योंकि IPS स्क्रीन लगी है। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, हम किसी भी गैजेट को देखते हैं, स्मार्टफोन को या स्मार्ट वॉच को, सबसे पहले उसका डिस्प्ले देखते हैं कि हाँ डिस्प्ले तो इसका काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको निराशा नहीं मिलेगी Realme में। उसके अलावा इसके अंदर जो हमको मिल रहे हैं, ज़्यादा फिटनेस मोड्स मिल रहे हैं। उसके अलावा कैमरा कंट्रोल, जो एक लेटेस्ट फीचर आजकल काफ़ी पॉपुलर है, वो मिल रहा है, जिससे आप अपनी सेल्फीज़ वगैरह आसानी से क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही में आपको मिल रहा है इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं Amazfit Bip S Lite आपको क्या दे रही है, जो कि Realme में नहीं हमको मिल रहा है। Amazfit Bip S Lite सबसे बड़ी बात है 200 रुपये सस्ती है, तो वो चलो मैं प्राइस रेंज को अलग रखता हूँ, आप 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं जिसका Realme लेने का दिल हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल वॉच फेसेस लगभग 150 के करीब मिल रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। फिर साथ ही साथ हम बात करें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है, बैटरी भी यहाँ पे 200 mAh की है, प्लस वो क्लेम भी 40 दिन का या 30 दिन का कर रही है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फैसला यूज़र के हाथ में छोड़ना चाहूँगा। आप 200 रुपये एक्स्ट्रा देके Realme पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर मिलेगा, लेकिन वहीं आपको 5 ATM भी नहीं मिलेगा सपोर्ट। उसके अलावा आपको थोड़े से मल्टीपल वॉच फेसेस कम देखने को मिलेंगे। तो जो जो चीज़ें Bip S Lite में हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं, वो यहाँ पे कम मिलेंगे। तो ये एक प्रॉपर यूज़र का फैसला है, क्योंकि कई लोग ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं। लेकिन अगर मैं वैल्यू फॉर मनी वॉच की बात करूँ, तो देखिए मेरे हिसाब से Bip S Lite ही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कैमरा कंट्रोल के फीचर की मैं बात करूँ, वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हम लोग फ़ोन से ही फ़ोटो खींचना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय कि वॉच से। तो मेरे हिसाब से मेरा फैसला जो है वो Bip S Lite के हाथ में जा रहा है। आप मुझे अपना फैसला ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको कौन सी वॉच पसंद आ रही है और आप कौन सी वॉच लेना चाहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।